तो भाई और बहनों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल पे AR ब्लॉग्स पे। जैसा कि आपने लास्ट टाइम देखा ही होगा कि मेरा जो लास्ट वीडियो था वो 5 जून को आया था और उसके बाद में कोई वीडियो बना भी नहीं पाया, मेरे पास कोई अपडेट भी नहीं आया है। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा अपडेट है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही हूँ, और तो मैं आपको यूनिवर्सिटी भी दिखा दूंगा एंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपडेट्स बता देता हूँ कि क्या अपडेट है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। लास्ट वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि मैंने आप सभी को बताया था वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन होने के कारण जो है कोर्ट ने जो है यहाँ पे अपनी जो सुनवाई है, अपना जो डिसीजन है, उसको जो है अगले सप्ताह इसी महीने में अगले वीक तक जो है डेट दे रखी है। अब उसमें देखना है कि उसमें क्या नतीजे जो है यहाँ पे निकल के आते हैं। और इस बार की सुनवाई में मुझे लग रहा है कि जो कोर्ट है वो बच्चों का जो रिकॉर्ड है वो यूनिवर्सिटी को वापस देने के लिए जो है बोल सकती है। यूनिवर्सिटी को जब ये रिकॉर्ड वापस मिल जाएगा तो एक तरीके से जो है स्टूडेंट के हक में ही जो है यहाँ पे कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन ये जो है सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट के फैसले के ऊपर, कोर्ट जो भी यहाँ पर डिसीज़न करेगा। लेकिन बहुत टाइम हो चुका है तो लगता है कि जो स्टूडेंट है उनका जो रिकॉर्ड है वो यूनिवर्सिटी को वापस मिल सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 1.5 साल से जो है ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और इस इन्वेस्टिगेशन के चलते हुए 1.5 साल से जो है बच्चों के सर्टिफिकेट जो है वो अटके हुए हैं, जो कि अभी निकलने की हम लोग जो है आशंका कर सकते हैं। कोर्ट जो है यहाँ पे अच्छा फैसला ले सकता है, क्योंकि ये स्टूडेंट के साथ साथ जुड़े उनके परिवार का भी सवाल है, क्योंकि परिवार भी इसमें काफ़ी परेशान हो गया है स्टूडेंट्स के साथ साथ। स्टूडेंट तो परेशान है ही, 1.5 साल से स्टूडेंट काफ़ी परेशान यहाँ पे जो है। मुझे भी काफ़ी मैसेज आते हैं, काफ़ी कॉल्स आती है, काफ़ी कॉमेंट में जो है मेरे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में काफ़ी कुछ मुझसे पूछा जाता है। तो अभी मैं इन चीज़ों का कोई भी जवाब नहीं दे सकता हूँ जब तक कि जो है अगर यूनिवर्सिटी को अपना डाटा वापस मिल जाता तो यूनिवर्सिटी का जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है स्टूडेंट की करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस बार मुझे लगता है कि जो रिकॉर्ड है वो वापस ज़रूर यूनिवर्सिटी को दे दिया जाएगा, ताकि काफ़ी लोगों ने जो है यहाँ पे अपनी नौकरियाँ भी खो दी है। लेकिन अब लगता है कि अगले सप्ताह जो है SP सोलन अभिषेक यादव जो है, सूत्रों से ये पता चला है कि वो जो है यूनिवर्सिटी का डाटा जो है यूनिवर्सिटी को वापस दे देंगे, जिससे कि जो है वेरिफिकेशन यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी चालू कर पाएगी। फिर से मैं आप सभी के लिए नया वीडियो लेके आऊँगा, और अभी मैं लास्ट में जो है वीडियो का थोड़ा सा कैंपस आप लोगों को दिखा दूँगा कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है खुली है या बंद है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा वीडियो में आपको बना करके दिखा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मैं जो हूँ अपने बैक कैमरा से जो है यूनिवर्सिटी का कैंपस आप लोगों को दिखाऊंगा, और यूनिवर्सिटी में जो भी एक्टिविटी हो रही है थोड़ी बहुत वो मैं आपको रिकॉर्ड करके यहाँ पर दिखाऊँगा इस वीडियो के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप अभी कंटिन्यूसली बने रहिए यूनिवर्सिटी का कैंपस देखने के लिए। तो जो लोग यहाँ से जो है अपनी डिग्री लेकर गए हैं या फिर जो कर रहे थे, उन लोगों को ये बतखों का तो याद ही होगा। ये देखिए कैसी साउंड कर रही है। तो ये आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी का कैंपस, और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक ऊपर है जो कि ओपन है। ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बंद है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जो है ओपन है।